हेलो स्टूडेंट, डिस्कस कर रहे हैं क्लास नाइन्थ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज नंबर 13.3। क्वेश्चन नंबर फोर हो चुका था, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव ये है, देखेंगे व्हाट लेंथ ऑफ द टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट। व्हाट लेंथ ऑफ एक टारपोलिन जो कि 3 मीटर वाइड है, चौड़ी है इस टाइप से, वाइड रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, जिसकी जो लंबाई हो वो 8 मीटर की हो। ये कह रहा है कि 3 मीटर चौड़ी कोई एक पट्टी समझ लीजिए और एल लेंथ दे रखी है, तो कितना ये कपड़ा यूज होगा इस मेजरमेंट का टेंट बनाने के लिए, यानी 8 हाइट और 6 ये वेट 6 है, तो इसको आप निकाल सकते हैं, तो इसका एल हो जाएगा, स्लेंट हाइट हो जाएगी 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 10। ये आपने एल लेट कर रखी है, तो लेट यहाँ कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ टारपुलिन एल हमने लेट कर दी, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। हमने माना कि जो एक्स्ट्रा है ये, इसका जो मार्जिन है वो 20 सेंटीमीटर का है। अब पाए की वैल्यू आपको दे रखी है, तो जितना भी आपका ये एरिया आएगा उसको 20 सेंटीमीटर आपको ऐड करना पड़ेगा। लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेकर के आप चल रहे हैं, तो जब आप लगाएंगे इसमें तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट इक्वल टू एरिया ऑफ टारपाउलिन लास्ट में बोला है कि एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। कॉनिकल टेंट का एरिया आप निकालेंगे पाई आर एल से निकलेगा, और यहाँ निकालेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ अब पाई हो गया 3.14 इंटू रेडियस हो गया इसका 6, एल हो गया 10। अभी इसको एल इंटू बी में लगाना है, एरिया ऑफ टारपोलिन लगाएंगे तो एल इंटू
ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर जो है अप्रोक्सीमेटली कट में चला जाता है, यहाँ जो एरिया आएगा वो तो एग्जैक्ट आएगा, तो यहाँ जो लेंथ आएगी वो एल माइनस 20 के अकॉर्डिंग आएगी। हो जाएगा 31.4 × 6 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, एल माइनस 20 कर दिया, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 × 8 2 × 1 = 2 3 × 2 = 6 62.8 एक बार चेक कर लेते हैं आंसर कुछ कम नहीं है। आंसर है 63। सेंटीमीटर बोला है सर, ट्वेंटी सेंटीमीटर होगा तो कितना हो जाएगा ये 20/100 3 आपने डिवाइड करा दिया, एल आ गया आपका 62.8 प्लस 20/100 ये हो गया 628, 10 से मल्टीप्लाई करा के 2/630/10 एल इक्वल टू पूरा पूरा जाएगा आपका 63 न्यूटन। यहाँ था आपका 62.8 था, 10 से मल्टीप्लाई हो गया एलसीएम में तो जाएगा 628 और प्लस में 2 तो 628 प्लस 2 यानी 630/10 हो जाएगा 63। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को।